संचालन को दुनिया भर में यात्री की परेशानी के कारण 6 घंटे तक डाउन रहने के बाद शनिवार सुबह करीब 9 बजे बहाल किया गया। एयरलाइन के SATS सर्वर ने शनिवार तड़के लगभग 3:30 बजे तक तकनीकी गड़बड़ विकसित की गई, जिसके कारण एयरलाइन के उड़ान संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। सवेरे 3:30 बजे से एयर इंडिया का पैसेंजर सर्विसेज सिस्टम है जो चेक इन को, बैगेज को, रिजर्वेशन को कंट्रोल करता है, इसको मेंटेनेंस के लिए लिया गया था 1 घंटे के लिए। ये सीता ने लिया था। सीता एक कंपनी है इंटरनेशनल जो ये पैसेंजर सर्विसेज सिस्टम को देख रेख करती है, उसको चलाती है। उसके बाद ये सिस्टम डाउन हो गया, जिससे काफ़ी फ्लाइट्स डिसरप्ट हुई हैं और फर्दर डिसरप्ट होने की संभावना थी। और एयर इंडिया का पूरा टॉप मैनेजमेंट सब जगह, पूरे नेटवर्क में सब जगह मैनेजमेंट पूरा पहुंच गया था एयरपोर्ट्स पे और कंट्रोल पे। और अभी करीब 9:45 बजे के करीब ये सिस्टम रिस्टोर हो गया है। तो इसकी वजह से जो यात्रियों को असुविधा हुई है, फ्लाइट डिले हुई हैं, उसके लिए हम लोग को बहुत खेद है। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम तक पूरी हमारी फ़्लाइट्स ठीक से आ जाए, समय पर जानी शुरू हो जाएँ। बस आज दिन में काफ़ी डिलेज होंगी, करीब 2 घंटे की डिलेज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ज़्यादातर फ्लाइट्स में होंगी। बट मेन चीज़ ये है कि सिस्टम रिस्टोर हो गया है,